हूं निवेदिता शुक्ला। केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने की बात क्या की, देश के हर कोने से आरक्षण की मांग उठने लगी और कुछ लोग तो ओबीसी आरक्षण में सब कोटे की मांग कर रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी काफी दिनों से इस तरह के आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं और जब केंद्र सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने की बात की तो मौके की नजाकत को देखते हुए राजभर ने फिर अपने पुराने मुद्दे को दोहराना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार और यूपी सरकार को धमकाते हुए कहा कि अगर पिछड़ा आरक्षण को बांटा नहीं गया तो यूपी की सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। राजभर ने आगे कहा कि 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महापिछड़ा, और आबादी के हिसाब से आरक्षण बांटा जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। सवर्णों को 10% आरक्षण पर राजभर ने कहा कि ये चुनावी जुमला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। जो भी हो, चुनाव से पहले नेताओं और पार्टियों का गठजोड़ और तोड़ जारी है। अब देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की कितनी चिंता बीजेपी करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा।